तो एपिसोड की स्टारिंग होती है और हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर बच्चे हमेशा की तरह से कुछ न कुछ कर रहे होते हैं और वो लोग भी जीते। और इधर हमें दिखाया जाता है, उधर उसीदा आ जाता है और उसीदा आके वो डेट चेक करता है और वो डेट देखकर बोलता है कि आज है। और उसके बाद वो अपना हाथ खोल देता है और उन बच्चों को बोलता है कि अगर आज तुम्हारे मॉमीज ने मेरे लिए कुछ भेजा है या फिर कासिमा के लिए कुछ भेजा है तो दे दो। इधर सभी बच्चे बोलते हैं कि उन लोगों के पास कुछ नहीं है, आज था वैलेंटाइंस डे। और इधर हमें दिखाया जाता है स्कूल पर, जहाँ पर सभी लड़कियाँ चॉकलेट के बारे में बातें कर रही थी कि वो लोग किसको चॉकलेट देगी। और इधर सब जगह चॉकलेट के ही बारे में बातें हो रही थी। और इधर कासिमा और बाकी सारे लड़कों को चॉकलेट अभी तक लड़कियों से नहीं मिले थे, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कामिता ने जो होता है उसको एक चॉकलेट का ऑफर आता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे चॉकलेट से नफरत है, के कारण वो लड़की बहुत अपसेट होके उधर से चली जाती है। कामिता नी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। तो इधर हमें दिखाया जाता है बहुत सारी लड़कियां एक लड़की के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़का बहुत हैंडसम है और उसका नेम है नेजू। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग से क्लास में, जहाँ पर एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़का होता है और उसको सभी लोग चॉकलेट दे रहे होते हैं और उसका नेम है योगी कुन। इधर वैलेंटाइन डे वो लोग मना रहे थे और इधर में दिखाया जाता है उधर इनामोतो थी और इनामोतो इधर बोलते है कि तुम लोग प्लीज चुप करो, तुम लोग ये स्कूल के रूल्स सुनना बंद करो। जहाँ पर बाकी से लड़के बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलने लगते है कि तुमने खरोस क्यों। जहाँ पर जो युकी कुन होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग ये चॉकलेट इधर से ले जाओ और स्कूल के बाहर मुझे दे देना। और उसके बारे में दिखाया जाता है युकी कुन इनामोतो के पास आता है और बोलने लगता है कि तुम तो बेबी केयर सेंटर पर जाती हो ना, और उसके बारे में बातें करने लगता है। जहाँ पर इनामोतो युकी कुन के मुंह को चुप कर देती है और वहां से चली जाती है। और इधर में दिखाया जाता है कि युकी कुन को बच्चे बहुत पसंद है। इधर में दिखाया जाता है अकेले में इनामोतो कहीं पर जा रही होती है और वो खुद को ही बोलती है कि मैं बहुत खड़ूस हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ सबका मजा खराब कर देती हूँ। इधर वो बच्चों के बारे में सोचने लग जाती है और वो रोने लग जाती है और वो उधर से चली जाती है। इधर में दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर कासिमा उधर था और इधर योगी कुन भी आया था और योगी कुन इधर इस बेबी केयर सेंटर पर ज्वाइन करने की बात कर रहा था। जहाँ पर कासिमा जो होता है वो पहले भी तो जानता था कि योगी कुन कितना हैंडसम है, तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो सभी बच्चों को बताने लगता है कि इधर एक और लड़का आ गया है और सबको इनके साथ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इधर योगी कुन जो होता है वो कासिमा से बातें करता है और वो एक एक करके सभी बच्चों को बताने लगता है, यानी सबको कुछ न कुछ कहकर सबके मन को अट्रैक्ट कर देता है। सभी बच्चे उसके और अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इधर में दिखाया जा रहा है लाइब्रेरी पर, जहाँ पर इनामोतो भी पढ़ रही थी और इधर में दिखाया जा रहा है दो पर्सन आपस में कानो कान बातें कर रहे थे कि योगी कुन जो होता है वो इतना पॉपुलर हो सकता है लेकिन वो बच्चों को किसी अलग ही तरीके से देखता है। और ये भी सुना है कि मतलब वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोगों ने ये भी सुना है कि वो बेबी केयर सेंटर पे भी गया है। और ये बातें सुनकर जो इनामोतो होती है वो उधर से बहुत जोर से मतलब वो बहुत सीरियस हो जाती है और वो उधर से भागने लग जाती है बेबी केयर सेंटर की ओर। और इधर हमें दिखाया जाता है यागी कुन जो होता है वो कोतारो को टच करने लगता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि उसके नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इधर इनामोतो भी आ जाता है और इधर में दिखाया जाता है उसी क्लास का उसका दोस्त नेजू उधर आ जाता है। वो इधर आके बोलता है कि मैं तुम्हें इधर देखने आया हूँ और सच कहो तो तुम बेबीज को बेबी सीटर की नजरों से नहीं देखते हो, तुम इसको कुछ अलग ही नजरों से देखते हो और साथ ही साथ प्यार भी करते हो। और इधर नेजू इन सब को मतलब यागो के रियलिटी को इधर बता देता है, जिसके कारण कासिमा भी इधर सीरियस हो जाता है और वो बच्चों को उधर से थोड़ा दूर ले जाता है। और इधर नेजू बोलने लगता है कि ये सब सही है, तुम जब बच्चों को छूते हो तो तुम्हारे नाक से क्यों ब्रीदिंग होती है। इधर यागू बोलता है कि मैंने बस ज्यादा चॉकलेट खा ली और इसके कारण ये सब हो सकता है। लेकिन इधर नेजू जो था वो यागू को बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसी कारण वो यागू को इधर से ले जाता है। और जाते जाते यागू जो होता है वो बच्चों को माफी मांगता है, ये भी बोलता है कि मैं क्लब ज्वाइन नहीं करूंगा लेकिन प्लीज तुम मुझे इधर आके तुम्हारे गाल चूने दोगे। लेकिन इधर वो बच्चे बोलने लगते हैं कि क्या चॉकलेट खाने से नाक से खून बहता है। जहाँ पर बोलता है मतलब नेजू बोलता है कि तुम चॉकलेट को दोष मत दो। जहाँ पर वो लोग चॉकलेट के बारे में बातें करते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें चॉकलेट खाना है। जहाँ पर यागू जो होता है वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन उसको ये सब परमिट नहीं थी। और इधर वो लोग बच्चे चॉकलेट खाने के लिए उतावले हो रहे थे। इधर वो सारे बच्चे इनामोतो के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमें चॉकलेट खिलाओगी। वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं। जहाँ पर इनामोतो जो होती है वो गुस्से से कहते हैं कि स्कूल पर चॉकलेट लाना मना है और उसके कारण वो बच्चे बहुत दुख
वो उन बच्चों को बहुत दुख होता है। और इधर जो इना मोहतो होती है वो बोलती है कि अगर तुम अगर इंतजार कर सकते हो तो कल तक हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी। इधर वो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और इना मोहतो और कासिमा दोनों अपने अपने घर की ओर चल रहे होते हैं। तो वो लोग मतलब वो दोनों बातें करते हैं और बीच में एक शॉपिंग मॉल आता है जहाँ पर कासिमा बोलते हैं कि तुम इधर थोड़ी टाइम वेट करो। जब पर कासिमा अंदर चला जाता है और इधर इनामोतो वेट करती है और थोड़ा टाइम बाद कासिमा वापस बाहर आ जाता है और कोतारू को बोलता है कि दे दो। जब पर कोतारू एक चॉकलेट इनामोतो को दे देती है। इधर इन दोनों के बीच में बातें होती है और इधर कासिमा इधर से चला जाता है और इधर रात हो जाती है और रात में हमें दिखाया जाता है जो उधर का सेक्रेटरी होता है वो कासिमा को चॉकलेट दिखा रहा था। वो उसने भी बहुत सारे चॉकलेट बनाए थे। इधर चेयरमैन उन लोगों को ये सब चॉकलेट खाने को देता है और इधर कोतारू जो होता है वो एक चॉकलेट लेकर अपने ब्रदर को खिला देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है रात को ही इनामोतो एक स्टोर पर होती है और वो चॉकलेट देख रही होती है और वो उधर से उन बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला सीन मतलब उसके बाद वाले दिन का सीन जहाँ पर बहुत ठंड थी और इधर सारे लड़के उधर कांप रहे थे बस कामितानी को छोड़कर। तो इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इधर उसीदा आता है और उन बच्चों को भी इधर लाता है एक गाड़ी से। इधर वो बच्चे भी आ जाते हैं कासिमा के पास और इसके कारण कासिमा को उन लोगों से बहुत गर्मी मिल रही थी क्योंकि वो लोग उनके कपड़े पहने हुए थे। इधर बाकी सारे लड़के तो कांप रहे थे लेकिन कासिमा को बहुत ज्यादा गर्मी मिल रही थी और वो बहुत कंफर्टेबल था और इसके कारण बाकी सारे लड़के जो होते वो कासिमा की तरफ देखते हैं और वो बच्चों को भी देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि एक एक करके वो लोग सभी बच्चों को पकड़ेंगे और इसके कारण उन लोगों को गर्मी मिलेगी। वो लोग जॉम्बी की तरह बन गए थे और उसके कारण वो लोग सब बच्चों को पकड़ने लगते हैं और उन लोगों के बीच में लड़ाई भी होती है बच्चों को लेकर। और इधर ये सब चल रहा होता है लेकिन उधर से एक लड़का मतलब एक बच्चा जालियों में छुपने के लिए जाता है। उधर एक अलग सा पर्सन होता है और वो मास्क और कैप पहन रहा था और साथ ही सनग्लास और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो एक किडनैपर है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। और लेकिन वो बच्चा ऐसा दिख रहा होता है मतलब हंस रहा होता है कि वो उस पर्सन को जानता है। लेकिन कामितानी जो होता है वो अपना एक शू अटैक करता है मतलब वो अपने जूते को इतने जोर से उसके ऊपर मारता है जिसके कारण जो पर्सन होता है उधर वो नीचे गिर जाता है। कासिमा इधर दौड़ के आके आता है और वो उस बच्चे को पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो। जाबर वो बताता है हाँ ये काजुमा के यानी काजुमा और मेरा पापा है। लेकिन इधर वो पर्सन बेहोश हो चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर जहाँ पर काजुमा और ताकुमा के पापा जो होते हैं वो इधर बेहोशी से मतलब बेहोशी से उठ गए थे और वो इधर उठ के बोलते हैं मामी झुकाओ यानी लोगों के फादर। इधर वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम अगर पापा ही हो तो तुम ऐसे क्यों चुप चुप कर इन लोगों को देख रहे हो और साथ ही साथ आप क्यों सनग्लास पहने थे और साथ ही साथ ऐसे क्यों आए थे। जहाँ पर उसीदा जो है वो बोलने लगते है कि मामी झुका एक बहुत बड़े एक्टर बनने वाले हैं और ये बहुत मशहूर है। और इधर मामी झुका जो था वो बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई वीट लगे। इसी कारण मामी झुका ऐसे कपड़े और सारा कैप सनग्लास और मास्क पहन के आया था। इधर हमें दिखाया जाता है जो मामी झुका होता है वो बोलने लगता है कि 6 महीने के अंदर मुझे ये पहले चुट्टी मिली है और इसी टाइम पर ही मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकता हूँ और मुझे इसके बाद कोई भी चुट्टी नहीं मिलेगी। वो ये भी बताता है कि मेरे बच्चे मुझे पापा भी नहीं कहते। वो ये भी बताता है कि मेरे बच्चे मुझे कोई अजीब समझते हैं। वो लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ जो कि मैं उन लोगों के साथ खेलने आता रहता हूँ। इधर वो रो रहे थे जहाँ पर कासिमा जो होता है वो बोलता है कि वो लोग आपके साथ जरूर खेलेंगे। कासिमा मामी झुका को इनवाइट करता है उन लोगों के साथ खेलने के लिए जहाँ पर मामी झुका बहुत हैप्पी हो जाता है। और इधर कासिमा ताकुमा और काजुमा को उधर बुलाता है और उन दोनों को बुला के कहता है कि ये तुम्हारे पापा है और ये तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन जो वो बच्चे थे वो इधर इंटरेस्ट नहीं थे और इसके कारण मामी झुका को बहुत दुख लगता है और वो उधर से चले जाने लगते ही है। तभी कासिमा बोलता है नहीं ये सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। कासिमा ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बारे में लिखा गया है कि मामी झुका जो होता है वो बहुत बच्चों के साथ खेलता है लेकिन काजुमा जो होता है वो बार बार रोता ही रहता है कि ये डरावना है ये पागल है बहुत कुछ वो रोता ही रहता है। इसके कारण मामी झुका को बहुत दुख लगता है क्योंकि वो बच्चों के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन वो मतलब काजुमा उसके ऊपर त्रस्त ही नहीं करता है। इधर मामी झुका जो होता है वो बोलता है कि अपने बच्चों को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे वेट करूंगा और वो उधर से चला जाता है। और इधर में दिखाया जाता है बाहर वाला सीन जहाँ पर मामी झुका रास्ते से जा ही रहा होता है लेकिन एक लड़की से टकराता है और वो लड़की उस
मामी जो के चेहरे को देखती है और पहचान लेती है, जिसके कारण उधर एक भीड़ हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां उधर आ जाती है और इधर में दिखाया जाता है कासिमा और कामितानी उधर मामी जो के बच्चे को लेके आते हैं और इधर में दिखाया जाता है कि उसके बच्चे भी मामी जो को बहुत चाहते हैं। वो लोग समझ गए थे कि उनके पापा बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन इधर बहुत भीड़ थी। और इधर हमें दिखाया जाता है इधर एक और पर्सन आता है और वो आके बोलती है अगर और वो इधर आ जाएंगे। और इसके नाम सुनकर ही सब जो इधर भीड़ लगी थी सब लड़कियां उधर से चले जाते हैं। खैर इधर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन थी वो मामी जुका की वाइफ थी और वो बोलने लगती है कि ये तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने तुम्हारी मूवी देखी थी और तुम उस मूवी में विलेन बने थे, इसी कारण ये लोग तुमसे डरते हैं। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है मामी जुका के पास वो दोनों बच्चे आ जाते हैं और वो तीनों बहुत ही अच्छे से हक करते हैं और इधर वो सब लोग खुश थे। ऐसे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।